ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है। इन्होंने पहले जो एबोला के लिए वैक्सीन बनाया था जॉनसन एंड जॉनसन ने, उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक सिंगल डोज वैक्सीन बनाया है और वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में। तो मतलब उसका कामयाबी का भी अभी पूरा समाचार मिल चुका है, WHO का भी अप्रूवल मिल चुका है और बाकी रेगुलेटरी एजेंसीज भी दूसरे देशों में खास करके अमेरिका में उसको अप्रूवल दे दिया है। मतलब उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में बनाया जाएगा और भारत देश में भी इसको बनाने का संभावना है तो हो सकता है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन के वजह से उसके जरिए बहुत ज्यादा लोगों को हम टीका लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो दो डोज वाले वैक्सीन है तो उसमें समय लगेगा सबको वैक्सीन देने में। अगर ये सिंगल डोज वैक्सीन का भी प्रवेश हुआ हमारे देश में तो और ज्यादा तेजी से और ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकता है।